प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत लगभग 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को दिए नियुक्ति पत्र। ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी मॉड्यूल का भी किया शुभारंभ। प्रदेश में रोजगार मेले के तहत केंद्रीय मंत्रियों ने गुरुग्राम, पंचकुला और सोनीपत में दिए नियुक्ति पत्र। युवाओं ने नौकरी मिलने पर जताया केंद्र सरकार का आभार। पलवल, फरीदाबाद, फतेहाबाद और हिसार में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य चुनने के लिए हुआ मतदान। 27 नवंबर को होगी मतगणना। और शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने की शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। कहा राज्य के सभी खंडों के स्कूलों के लिए करीब 1,41,000 ड्यूअल डेस्क खरीदे जाएंगे। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी विमोचन किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नई नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक मात्रा में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की ये पहल निरंतर जारी रहेगी। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज गुरुग्राम के बीएसएफ कैंप के रोजगार मेले में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देशवासियों के योगदान से ही भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बन सकता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना योगदान दीजिए, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए। आपके योगदान से ही हमारा देश दुनिया में सबसे आगे बढ़कर आ सकता है। और इस अमृत महोत्सव से अमृत काल की ये यात्रा, ये जो अगले 25 वर्ष होंगे, अमृत महोत्सव आज है, अमृत काल 2047 में होगा, तो अगले 25 वर्ष में हमारा योगदान क्या होने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आप सब अपना योगदान दीजिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि जहां दुनिया के देश अभी भी चेक का उपयोग कर रहे हैं, वहीं भारत यूपीआई के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। दिन की शुरुआत ये सोच कर करें कि आज किसी का भला करना है, आज देश की सेवा में फिर कुछ नया करना है, और अपना कम से कम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, ये तीन गोल जरूर रखिए कि आपको अपने डिपार्टमेंट में क्या करने हैं। दुनिया के देश तो आज भी चेक ही बांट रहे हैं, चेक भी लिख रहे हैं, लेकिन भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से
यूपीआई भीम ऐप बनाई। आज चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, रेडी फड़ी वाला भी क्यूआर कोड से आपके मोबाइल फोन से पैसा ले लेता है और पैसा दे सकता है। ये दुनिया के किसी देश ने करके दिखाया तो भारत ने करके दिखाया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र पाने के बाद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, देश के लिए सेवाएं देने के लिए वे उत्साहित दिखाई दिए। आज बीएसएफ के पौंसी के इस ग्राउंड में अगर आप देखेंगे, बच्चों के चेहरे पर एक नया उत्साह था, जोश था, उमंग थी और देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए वो ललायत थे। अब मेरा मानना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको संबोधित करके ये भी कहा कि हमें अपनी राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी है, नहीं तो लोग अपनी राइट्स की ही बात करते हैं, जिम्मेदारियों की बात नहीं करते। तो सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी के साथ देश को आगे बढ़ाना भी है और कर्मयोगी प्रारंभ जो किया है, ये कार्यक्रम बहुत शानदार मैंने स्वयं देखा है। केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्ती की कड़ी में रोजगार मेले के तहत आज सोनीपत के खेवड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने 81 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार देने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने नव चयनित युवाओं को बधाई देते हुए आह्वान किया कि वे नौकरी को मिशन के रूप में अपनाकर देश की तरक्की में योगदान देने के जज्बे के साथ आगे बढ़ें। इंतजार है कि अगले एक वर्ष में 10 लाख नौकरियां जो केंद्र सरकार के अंतर्गत दी जाएंगी, नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उसी का आज दूसरा चरण था। पहला चरण 22 अक्टूबर को हुआ, 22 अक्टूबर को करीब 75,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए और आज 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नियुक्ति मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मेरा IBPS PO के द्वारा यूको बैंक में सिलेक्शन हुआ है और इसकी वजह से मैं एक माँ भी हूँ 1 साल के बच्चे की, तो मुझे मेरे बच्चे का पालन पोषण करने में बहुत अच्छी सहायता मिलेगी और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से ये सिलेक्शन जल्दी हो पाया और मैं रोज़गार जल्दी ले पाऊँगी। मेरा इग्नू में एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार मेरी पोस्टिंग हुई है और मैंने काफ़ी मेहनत की है इस पोजीशन के लिए। काफ़ी टफ रहा है मेरा जर्नी, 2 साल का मेरा प्राइवेट जॉब का भी एक्सपीरियंस है और फाइनली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एंड मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का थैंक यू बोलना चाहूँगी बहुत ज़्यादा मेरे को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। मैं असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के पद पे NTPC में मेरा सिलेक्शन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एफर्ट से रोजगार मिला के तहत मुझे ये रोजगार मिला है जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रधानमंत्री रोजगार मेला आज पंचकुला के रामगढ़ स्थित 50वीं वाहिनी ITBP में आयोजित किया गया। मेले में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 102 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 के अंत तक 10 लाख नौकरियां देने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक महीने की 22 तारीख को 70,000 से 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वरोजगार के अवसर विकसित किए जा रहे हैं। जी ने वर्ष 2023 दिसंबर तक देश के अंदर 10 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को देने का संकल्प लिया है और इसके तहत हम अगले 1 साल में प्रति माह 22 तारीख को लगभग 70,000 से 75,000 युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र देश में अलग अलग कोनों से बांटेंगे। इसी क्रम में आज यहाँ पर हमने 71,000 युवाओं को अलग अलग मंत्रालयों में, हमारे सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में, लेबर मिनिस्ट्री में, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में विभिन्न पदों पर युवाओं की भर्ती करते हुए 71,000 लोगों को राष्ट्रीय सेवा का ये अवसर प्रदान किया है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हो सकेंगे। मुझे असम राइफल की तरफ से आज रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र मिला जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का
बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे भारत सरकार की तरफ से ITBP के लिए नियुक्ति पत्र मिला है, जिसके लिए मैं भारत सरकार की शुक्रगुजार हूँ। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तहत आज प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति के लिए मतदान हुआ। पलवल जिले में मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया और लोग सुबह से ही मतदान के लिए कतार में लगे नजर आए। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। निर्वाचन आयोग के कमिश्नर एवं पर्यवेक्षक सुधांशु पांडे ने जिले के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। देखिए, बहुत ही पुख्ता इंतजाम है और बहुत स्मूथ पोलिंग चल रही है। मैं फरीदाबाद के भी पोलिंग स्टेशन में गया था, 7 पोलिंग स्टेशन में गया था और यहाँ पर भी पलवल में भी जो है 8 पोलिंग बूथ हैं यहाँ पर इस स्कूल में। हर जगह बहुत स्मूथली चल रहा है। और मतदाताओं ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करना जरूरी है। मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को अपना मत दिया है जो उनके गांव का विकास करवाए। मैंने अपने मत का प्रयोग किया है और मैं जनता से अपील करता हूँ। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर सभी से अपील करता हूँ अपना वोट अच्छे उम्मीदवार को दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। देखो जी, ये बहुत अच्छी बात है, वोट डालनी चाहिए हर किसी बंदे को। इन लोकतंत्र का महापर्व है और हर किसी बंदे को अपने उम्मीदवार को वोट डालनी चाहिए। मैंने वोट डाली है, शांतिपूर्वक काम हो रहा है और सब पब्लिक से कहना चाहता हूँ, हजूर के सब अपनी वोट डालें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के सभी खंडों के स्कूलों में करीब 1,41,000 ड्यूअल डेस्क खरीदे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 22 जिलों के 26 खंडों के प्राथमिक, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए ड्यूअल डेस्क खरीदे जा रहे हैं। इन पर करीब 95 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी और इसके प्रथम चरण में 31 जनवरी 2023 तक ये डेस्क संबंधित स्कूलों में पहुंचा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 31 दिसंबर तक 23 खंडों के विद्यालयों में ड्यूअल डेस्क उपलब्ध करवाने हेतु ऑर्डर जारी कर दिए गए जाएगा, जबकि शेष 60 खंडों के स्कूलों में इन्हें अगले साल तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे जिन विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए हैं, उनको 30 नवंबर तक टैबलेट सिम उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अभी तक राज्य के 10वीं से 12वीं कक्षा के लिए 5,28,000 विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए प्रतिनिधियों का दूसरा समूह काशी पहुंच गया। ये समूह तमिलनाडु के कारीगरों का समूह है। काशी पहुंचने पर सभी प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम में आए प्रतिनिधि इस गर्मजोशी से हुए स्वागत से बेहद खुश नजर आए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राज्य के सभी खंडों में 238 पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रत्येक खंड में ऐसे 2 स्कूल खोलने का प्रावधान है। सरकार द्वारा प्रत्येक स्कूल के नवीनीकरण पर 1 करोड़ रुपए तक की राशि मुहैया करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन स्कूलों में हमारी सरकार उत्कृष्ट अध्यापक उपलब्ध करवाएगी। ऐसे स्कूलों में अच्छी शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शारीरिक गतिविधियों का उच्च स्तरीय उदाहरण देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के चयन के लिए एक पैमाना निर्धारित किया है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके आधार पर स्कूलों के चयन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी समीक्षा राज्य स्तर पर गठित कमेटी करेगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत लगभग 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को दिए नियुक्ति पत्र। ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्मयोगी मॉड्यूल का भी किया शुभारंभ। प्रदेश में रोजगार मेले के तहत केंद्रीय मंत्रियों ने गुरुग्राम, पंचकुला और सोनीपत में दिए नियुक्ति पत्र। युवाओं ने नौकरी मिलने पर जताया केंद्र सरकार का आभार। पलवल, फरीदाबाद, फतेहाबाद और हिसार में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य चुनने के लिए हुआ मतदान। 27 नवंबर को होगी मतगणना। और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने
की शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, कहा राज्य के सभी खंडों के स्कूलों के लिए करीब 1,41,000 ड्यूअल डेस्क खरीदे जाएंगे। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।